गौ प्रजाति का सदस्य नहीं है, फिर भी इनका नाम नीलगाय है। ये एंटीलोप प्रजाति का सदस्य है, अर्थात ये एक प्रजाति का हिरण है। बेचारे हिरण, इनके प्रति इंसानों का कभी भी कोई सहानुभूति थी ही नहीं। आज भी कितने लोगों का है किसको पता, मुगल काल से ही इनका काफी मात्रा में शिकार होती आ रही है। और तो और उसके ऊपर जंगल के दूसरे मांस भक्षी जीव जैसे शेर, हायना, तेंदुआ तो है ही। फिर भी ये सारे जीव एक ही नीलगाय का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, पर हम इंसानों का लालच इससे काफी ज्यादा है। मौका मिलने पर तो ये एक साथ 10 से 20 तक को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, और बस इसी कारण से नीलगाय के ऊपर संकट की छाया मंडरा रही है। भारत में ये प्रजाति विलुप्ति की तरफ बढ़ रही है। अपने दूसरे एंटीलोप रिश्तेदारों की तरफ ये तेज रफ्तार से भाग नहीं सकते, जिस कारण से इनका शिकार करना बहुत ही आसान है। इनके शरीर का रंग धूसर है, जिस पे नीले रंग का आवा है, जिस कारण से इनको स्पेशली नील गाय कहा जाता है। मुंह का गड़न गाय जैसा है और सिंह पहाड़ी बकरी जैसा। इनके कंधे पर घोड़े जैसे छोटे छोटे बाल देखे जा सकती है। इनके विवरण से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इनके शरीर में कई सारे तृणभोजी प्राणियों का समावेश देखी जाती है। फिर भी आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर आ रही होगी कि नीलगाय गौ श्रेणी के अंतर्भुक्त ना होके हिरण प्रजाति के अंतर्भुक्त होने के बावजूद भी इनको गाय ही क्यों कहा जाता है। तो इसके ऊपर बहुत से लोक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित कथा ये है कि प्राचीन काल में लोग इनके मांस के लिए इनकी काफी तादाद में शिकार करते थे। उस वक्त इनकी तादाद काफी तेजी से घटने लगी थी। तब और क्या, उस वक्त के सरकार द्वारा चालाकी से उनका नाम नीलगाय रख दिया गया, और हिंदू धर्म में तो गौ भक्षण को अपराध यानी पाप के रूप में देखी जाती है, इसलिए लोगों ने इनको मारना छोड़ दिया। और शरीर के रंग में नीले की आभा रहने के कारण इनको नीलगाय नाम रखा गया। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में ये जीव नील घोर के नाम से जानी जाती थी, जहां नील शब्द का अर्थ नीला और घोर शब्द का अर्थ था घोड़ा। नीलगाय सारे एंटीलोप प्रजाति में आकार में सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। ये दिन के वक्त ज्यादातर छिपके रहते हैं और रात में ही खाने के खोज में बाहर आते हैं। इनके छोटे हरे पत्ते, फूल और बीज खाना बहुत पसंद है। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग ज्यादा मात्रा में पेड़ों की छटाई करके घर और कृषि के लिए जमीन बना रहे हैं, जिसके कारण से इनके विचरण क्षेत्र की और खाने की कमी पड़ रही है, और इसी के लिए ये इंसानी खेतों में हमला करके फसल नष्ट कर देते हैं। गन्ने इनके बहुत मनपसंद है, इसी कारण से ये हर रात रसीले गन्नों के लालच में आके किसानों की मेहनत को तबाह कर देते हैं। भारत के बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ऐसे ही नीलगाय हर साल काफी ज्यादा फसल नष्ट कर देते हैं। अब किसान भी अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख क्यों चुप रहे, वो भी लाठी लेके इनके पीछे दौड़ते हैं। इनकी रफ्तार बहुत धीमी रहने के कारण इनको मारने में भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती। और वनभूमि सिमट जाने के कारण इतने बड़े जीव को छिपने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करनी पड़ती है, जिसका फायदा लूटते हैं ये लालची शिकारियां। एक समय था जब भारत के उत्तरांश में नीलगाय काफी मात्रा में पाई जाती थी। नीलगाय के दूसरे जंगली शत्रु रहने के बावजूद भी इनकी तादाद ठीक मात्रा में टिकी हुई थी।
सिर्फ और सिर्फ इंसानों द्वारा विपुल मात्रा में इनको शिकार किए जाने की वजह से ही आज ही भारत के कुछ इलाकों में सिमट के रह गए हैं। आज कृषि के कारण वन भूमि नष्ट करते करते बहुत से देशों के कई अनोखी प्रजातियां आज विलुप्ति की तरफ बढ़ रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का इमू पक्षी, कंगारू और प्लैटिपस, अमेरिका का बाइसन और भारत का सुंदरबन इलाके का द रॉयल बंगाल टाइगर। फिर भी इन सारे जीवों का संरक्षण का व्यवस्था सरकार द्वारा ली गई है, लेकिन नीलगाय जैसे इतने सुंदर जीवों का संरक्षण का व्यवस्था आज भी ठीक तरीके से नहीं ली गई है। सिर्फ भारत के 2-4 चिड़ियाघरों में इनको रखा गया है। विज्ञान के खातिर ही इनका वंश वृद्धि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी इनके ऊपर अनुसंधान चलाई जा रही है। ये प्राणी जगत का एक अजूबा है। सबसे आश्चर्य का विषय ये है कि नीलगाय दुनिया का एकमात्र ऐसा स्तनपायी जीव है जो अपना आदि रूप का अस्तित्व कायम रखने में सक्षम हुई है। समय के विवर्तन के साथ हर जीवों के रूप का परिवर्तन प्रकृति के साथ होता आ रहा है। प्रकृति में खुद को टिकाए रखने के लिए हर एक जीव ने खुद में बहुत से बदलाव किए हैं, पर कोई खास कारण से नीलगाय के शरीर का कोई भी परिवर्तन नहीं हुई है, क्योंकि नीलगाय के पूर्व पुरुष का फॉसिल्स आज भी वैज्ञानिकों को नहीं मिली है। किस कारण से इनके रूप का परिवर्तन नहीं हुआ और इनके अंदर कोई बदलाव आया है कि नहीं, ये सब अभी अनुसंधान का विषय है। अगर उससे पहले ये विलुप्त हो गए तो ये रहस्य रहस्य ही रह जाएगा। इसलिए विज्ञान के लिए इनको संरक्षण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भारत अपनी एक मूल्यवान संपत्ति को खो देगी।